सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवनप्रीति और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें से कि कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस वगैरह। यहाँ पर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को कवर कर चुके हैं। हमने देखा इनकैप्सुलेशन के बारे में कि इनकैप्सुलेशन होती क्या है, और यहाँ पर हमने देखा इनहेरिटेंस के बारे में, डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस देखे। अगर आपने इन सब वीडियोस को नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं इसे पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सो गाइस, समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉली यानी कि पॉली मतलब होता है मैनी, तो पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स, किसी भी चीज की एबिलिटी मल्टीपल फॉर्म्स लेने की। अब वो ऑपरेटर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, तो इस टाइप से यहाँ पर हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। फटाफट चलते हैं पहले गूगल में और यहाँ पर आकर देखते हैं कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स। तो इसका भी मतलब यही है, एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। अब मल्टीपल फॉर्म्स ले कैसे सकता है कोई भी ऑपरेटर या फंक्शन वगैरह। यहाँ पे गाइस एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फटाफट से आता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पर हमारे जो प्लस ऑपरेटर होता है, ऐड जिससे हम करते हैं, उसको देखेंगे कि वो कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करता है। यहाँ पे आके सबसे पहले एक फाइल बना लूंगा, मैंने ऊप्स 10 तक बनाई हुई है, तो इसे मैं रख दूंगा ऊप्स 11.py और इसको मैं यहाँ पे खोल लूंगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गाइज अपने प्लस ऑपरेटर की, एडिशन ऑपरेटर की। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर a इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे आके लिख देता हूँ b इज इक्वल टू 20। यहाँ पर आकर अगर सिंपली मैं प्रिंट कराता हूँ a प्लस b को, तो आपको भी पता ही है कि यहाँ पर आउटपुट हमारे पास 30 आएगा। सिंपल सी एक बात है, तो एक सिंपल सी बात थी, आउटपुट यहाँ पे 30 आ गया है हमारा। अब क्या है कि यहाँ पर आकर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं हटाऊंगा और मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को ही हटा कर अगर यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो और इसको हटा कर यहाँ पे लिख देता हूँ जीवन, तो अब मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट चेंज होके हो जाएगा हेलो जीवन। तो हम देखते हैं आउटपुट और हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है हेलो जीवन। तो आप बोलोगे कि भाई बताना क्या चाहते हो, यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने पहले लिखी थी यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यूज, तो इंटीजर एक क्लास है यानी कि वो अपना एक टाइप है, तो हमने यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू ली थी ए की, बी की भी हमने इंटीजर वैल्यू ली थी, हमने उसको प्लस किया, तो इसने क्या किया एज एडिशन ऑपरेटर बिहेव किया और इसने क्या कर दिया दोनों का सम कर दिया, सम करके हमको दे दिया यहाँ पर 30। लेकिन अब इसने क्या किया, हमने ये ले लिया स्ट्रिंग क्लास का, हमने इसे बनाया स्ट्रिंग टाइप का बना लिया, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली हेलो और दूसरी स्ट्रिंग हमने ले ली यहाँ पे जीवन, तो हमने दो स्ट्रिंग ली, तो ये प्लस ऑपरेटर किसमें कन्वर्ट हो गया, लिखते हालांकि हम प्लस ही हैं लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही हमने टाइप चेंज किया इसने अपना बिहेवियर भी चेंज कर लिया, तो यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यूज ले रहे थे तो ये उन दोनों को प्लस कर दे रहा था, ऐड कर दे रहा था, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग्स ली तो इसने इन्हें कंकैटिनेट कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखी इसकी मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि प्लस ऑपरेटर को हम एडिशन ऑपरेटर के तौर पे भी यूज कर रहे हैं, कंकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बात आती है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो क्या है कि हमारे पास इंटीजर एक क्लास थी, हमारे पास स्ट्रिंग एक क्लास थी, इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था जब हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी, हम अगर एक क्लास बनाते हैं तो हम अपना एक नया टाइप बना देते हैं। तो हम एक क्लास बनाएंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम की, तो वो स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहे हैं, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे S1 S2 S3 ऐसे करके एंड सो ऑन। यहाँ पर हम उस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या थी, ए के अंदर हमने इसको स्टोर कराया था, इंटीजर टाइप का था ये, इंटीजर टाइप का था भी, अभी फिलहाल स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है भी, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं S1 S2 वगैरह, वो स्टूडेंट टाइप के होते हैं। तो वो स्टूडेंट हमारा, अगर हम स्टूडेंट क्लास बनाते हैं वो एक टाइप बन जाता है नया, अगर हम एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं वो एक टाइप बन जाता है नया, तो वो उसे एक एज अ नए टाइप की तरह ट्रीट करता है। तो हम अगर अपने स्टूडेंट टाइप के S1 ऑब्जेक्ट को प्लस करना चाहते हैं S2 ऑब्जेक्ट से, तो क्या हम कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और हमें अपने प्लस वाले ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। तो हमने दो फॉर्म्स तो इसकी यहाँ पे देखी, एक तो एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर, एक एज अ एडिशन ऑपरेटर, हम तीसरी फॉर्म भी अपनी तरफ से बना सकते हैं
और इसी तरह से हम डिफरेंट फॉर्म्स दे सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करके। तो इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टूडेंट वाली क्लास बना के और इसको करके हम अगली वीडियो में देखेंगे, जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे। आगे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम फंक्शन ओवरराइडिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे, और फिर देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के देखेंगे। तो काफी कुछ चीजें हम देखने वाले हैं, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। और ये वीडियो थी सिर्फ आपको एक पॉलीमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना ही है, एबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, ओके बाय।